नेशनल शूटर श्रेयसी सिंह आज बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार पटना पहुंची। पटना पहुंचने पर जब उनसे मीडिया ने सवाल किए कि उन्होंने बीजेपी क्यों ज्वाइन किया, तो इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित होकर के उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो उनका जो मुख्य एजेंडा होगा वो राज्य के विकास होगा और बेहतर शिक्षा व्यवस्था पर होगी, पलायन को रोकने पर उनका मुख्य फोकस होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो बिहार में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल करने की दिशा में आगे काम करेगी। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद श्रेयसी सिंह से जब मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने पूरे बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है, जरा सुनिएगा। धन्यवाद। क्या कारण रहा कि बीजेपी को ही आप चुने? बीजेपी को चुनने का एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि आज जो प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम है, उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं आत्मनिर्भर बिहार में। और हमें लगता है कि आत्मनिर्भर बिहार का चेहरा हम बन सकते हैं और युवाओं से अपील करते हैं कि वो हमारे साथ खड़े। जब बात अक्सर चुनाव की होती है तो बात विकास की होती है, लेकिन किस तरह का विकास हम चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे युवा वर्ग के बच्चे अपने राज्य को छोड़ के बाहर ना जाए किसी भी नौकरी को ढूंढने के चक्कर में। हम चाहते हैं कि वो यहीं रहे और सम्मान से अपनी ज़िंदगी जिए। एक ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जो हम काम जिस चीज़ पे हम काम करना चाहते हैं वो ये है कि हेल्थ, अभी जैसा हमने कोरोना पैंडमिक में देखा उस तरह से हमारे हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने की बहुत बेहद ज़रूरत है। और इन सभी मुहिमों में, इन सभी स्कीम्स में हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। बता दें कि श्रेयसी सिंह बांका से पूर्व सांसद पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह की पोती हैं। श्रेयसी सिंह के बारे में कहा जाए कि उनका बीजेपी से या उनके परिवार का लगाव काफ़ी पुराना है। इस बीच वो बीजेपी का दामन थाम कर अब चुनावी मैदान में उतरेंगी। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि श्रेयसी सिंह जमुई से चुनाव लड़ सकती हैं। खैर, अभी टिकटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी ने अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। इस दौरान श्रेयसी सिंह का पटना पहुंचना ये बहुत कुछ दर्शाता है कि आगामी चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलेगा। क्या काम करना चाहेंगे बिहार के लिए? बिल्कुल, जैसे आपने कहा, क्योंकि हम खेल के फील्ड से आते हैं, हम जाहिर सी बात है कि आज तक बिहार का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं खेल के फील्ड में। और हम चाहेंगे कि हमारे तरह कई और बिहार के बच्चे, लड़कियां, लड़के अलग अलग स्पोर्ट्स में आगे आएं और जितना हो सकेगा, एक अभी तो आने वाला चुनाव है, जितना भी हो सकेगा, जितना हम सक्षम रहेंगे अपने जिला के लिए, अपने विधानसभा के लिए पूरा काम करें। कहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव? अभी तक पार्टी ने अनाउंस नहीं किया है, तो हमें पार्टी का अनाउंसमेंट का वेट करना पड़ेगा। मैम, एक तरफ जहां आपने कहा कि हम युवाओं के लिए काम करेंगे, चिराग पासवान भी युवा है, पर वो यहां जहां बीजेपी ने यह स्वीकार कर लिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी, वहीं वो अलग राग अपना रहे हैं। देखिए, हम पार्टी के साथ हैं और पार्टी का पॉलिटिकल कोएलिशन जिसके साथ भी होगा हम उनके साथ रहेंगे। लोजपा चुनाव अलग लड़ रही है, तो ऐसे में कोई बड़ी चुनौती आपके सामने नजर आती है इंडिया के? नहीं, मेरा तो अलग होने से नहीं, मेरे बेस्ट विशेष है सबके साथ। जो जो बिहार का विकास चाहते हैं, मेरे बेस्ट विशेष है उन सब लोगों के साथ। जैसा मैंने कहा अपने आपको दोहराते हुए, जिसके साथ भी पॉलिटिकल अलायंस रहेगा बीजेपी का, हम उसके साथ रहेंगे। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही बिहार चुनाव से जुड़े और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल DZ+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।